क्या आप जानते हैं आगरा में हुए हत्याकांड के बारे में, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआत में लोग कातिल को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सच्चाई सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। ये घटना जब हुई थी तो रोज कोई ना कोई नया खुलासा होता था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। टुडे आर टॉकिंग अबाउट रितिका सिंह केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का गेटवे कहे जाने वाले एक शहर गाजियाबाद से। ये दिल्ली से सटा हुआ भारत का सबसे प्रसिद्ध ऑयल इंजन इंडस्ट्रीज के सेंट्रल में से एक है। यही गाजियाबाद में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रितिका सिंह। इनकी उम्र 20 से 21 साल रही होगी। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं के कॉन्वेंट स्कूल से की थी। इंटरमीडिएट खत्म करने के बाद इन्होंने बीएससी का कोर्स चुना और एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने लगी। इनके परिवार में माता पिता और एक छोटा भाई था। पहले ये लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहते थे, फिर पिताजी का काम की तलाश में गाजियाबाद आ गए। जब इन्हें अच्छा काम मिल गया तो ये परिवार को भी यहीं पर ले आए। कुछ दिनों के बाद ये नोएडा में जूतों का व्यापार करने लगे। ये काम इनका धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। जैसा कि मिडिल क्लास परिवार में होता है, गर्मियों की छुट्टियों में या ऐसे ही बच्चों की ज्यादा दिन की छुट्टी हो गई हो तो माँ अपने बच्चों को लेकर नानी के घर पहुँच जाती है। ऐसा लगभग हर घर में होता है। छुट्टियों में नानी के घर पर जाना ये नॉर्मल बात है। इसी तरह से बचपन में रितिका भी अपने घर में अपने माँ और छोटे भाई के साथ ननिहाल में घूमने गई थी। इनका ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला नाम की जगह पर था। यहाँ रितिका आस पड़ोस के लोगों से मिलती थी। बच्चों के साथ ये दोनों भाई बहन घूमते थे, खेलते कूदते थे। गाँव में या छोटे शहरों में कहीं जाकर पड़ोसियों से मिलना नॉर्मल बात होती है, क्योंकि यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं, सबको अपना समझा जाता है। यही गर्मी की छुट्टियों का सिलसिला था। नानी के घर में पड़ोस में एक लड़का रहता था, आकाश गौतम नाम से। रितिका की उसके घर वालों से भी अच्छी जान पहचान थी, इसे भी दोस्ती थी। छुट्टियों में दोनों मिलते थे। छुट्टी खत्म हो जाती तो रितिका अपने घर गाजियाबाद चली जाती। यही सब चल रहा था। समय के साथ साथ जब दोनों बड़े और समझदार हुए तो आकाश को रितिका में रुचि पैदा होने लगी। रितिका भी दिखने में काफी सुंदर थी, पर रितिका इसकी नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। आगे चलकर आकाश के दिल में रितिका के लिए प्यार जग गया। ये कोई नॉर्मल प्यार नहीं था, बल्कि पागलपन वाला प्यार था। ये लड़की के बिल्कुल पीछे पड़ गया। जब रितिका इसको इतना भाव नहीं देती थी, नॉर्मल दोस्त की तरह समझती थी, इसकी हरकतों को मजाक में लेती थी। रितिका ननिहाल जाती, यहाँ आकाश से मुलाकात होती। छुट्टी के बाद रितिका वापस अपने घर चली आती। ऐसा करीब 2-3 सालों तक होता रहा। यही गाजियाबाद में ही आकाश की एक बहन भी रहती थी। साल 2014 में बहन से मिलने के बहाने आकाश गाजियाबाद आता है। यहाँ रितिका के पीछे पड़ गया। रितिका के माता पिता को भी यह बात पता चलती। ये आकाश को समझाते हैं। ननिहाल के परिजनों के जरिए आकाश के घर वालों को बताया जाता है कि आकाश रितिका को परेशान कर रहा है। यह गाजियाबाद तक आ गया है, लेकिन आकाश किसी की नहीं सुनता। 2014 में आकाश रितिका को किडनैप कर लेता है। यह एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपने प्यार के बारे में बताता है और रितिका को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, इसके बिना रह नहीं सकता। आकाश जैसे तैसे लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। ये आगे कहता है कि इसने रेलवे में एग्जाम दिया है और इसकी नौकरी लगने वाली है। ये रेलवे में एक ऑफिसर बन जाएगा, हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर जब बेटी कई दिनों तक घर से गायब रही, तब माता पिता ने पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया और आकाश गौतम को इस किडनैपिंग के पीछे का जिम्मेदार ठहराया। बेटी के किडनैप होने के 7 दिन के बाद आकाश पकड़ा जाता है। बेटी भी सही सलामत अपने घर आ गई। इन 7 दिनों तक आकाश रितिका को कन्विंस करता रहा, शादी के लिए मनाता रहा। घर आते ही रितिका ने किडनैपिंग केस को विड्रा करा दिया। इसने कहा कि आकाश ने मुझे किडनैप नहीं किया था। पिछले 7 दिनों में आकाश को अपने पीछे पड़े देख रितिका को भी प्यार हो गया। ये अपने माता पिता से शादी की बात करती है, लेकिन ये इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार लड़का ठीक प्रवृत्ति का नहीं था। वो बेरोजगार था, गुस्सैल था, कोई काम नहीं करता था। भला वो इनकी बेटी को खुश कैसे रखेगा। इसलिए माता पिता शादी के लिए राजी नहीं होते। रितिका इन्हें बहुत समझाती है, रेलवे में नौकरी वाली बात बताती है। एक समय के बाद माता पिता को लगा कि बेटी ने
सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। समझदार है इसलिए माता पिता को मजबूरन शादी के लिए मानना पड़ता है। फिर 2014 में ही इनकी पुश्तैनी घर से शादी कर दी जाती है। माता पिता इस शादी से उतने खुश नहीं थे। यहाँ शादी के बाद आकाश और रितिका साथ में रहने लगते हैं। 2 महीनों तक तो सब ठीक से गुजरा। फिर रितिका को पता चलता है कि आकाश ने कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया है, इसने शादी के लिए झूठ बोला, ऊपर से यह कोई काम भी नहीं करता है। रितिका इसको समझाती है कि कोई नौकरी कर लो, पैसे कमाओ, पर यह नहीं सुनता। रितिका ने अपना BSc कंप्लीट किया और अपना घर चलाने के लिए मजबूरन वहीं कहीं स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। रितिका इंग्लिश स्कूल में पढ़ी थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी, हंसमुख लड़की थी, सबसे घुल मिल जाती थी। इसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना रखा था, जहाँ पर यह फूड ब्लॉगर और फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर पोस्ट किया करती थी। सोशल मीडिया के जरिए इसकी काफ़ी लोगों से पहचान भी हो चुकी थी। उनसे यह अपना बात भी करती थी, कभी काम के सिलसिले में तो कभी ऐसे ही इधर उधर की बातें। रितिका को लगता था कि कुछ दिनों के बाद शायद इसका पति आकाश कहीं जॉब कर लेगा। जब ऐसा नहीं होता है तभी रितिका को घर से बाहर निकल कर काम करना पड़ता है। इसके बाहर निकलने और सोशल मीडिया की वजह से आकाश को शक होने लगता है। इसे लगता था कि रितिका का कहीं अफेयर है। इस वजह से दोनों में काफ़ी झगड़े शुरू हो गए। आकाश कोई काम धंधा करता नहीं था, ऊपर से रितिका के कमाए पैसे भी छीन लेता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रितिका बड़ी मुश्किल से खुद का खर्च उठा पाती थी, क्योंकि इसका पति इसके सारे पैसे छीन कर इधर उधर उड़ा देता था। एक बार तो इसने रितिका का पैर जलाने की भी कोशिश की थी। वो तो माँ अपनी बेटी से मिलने समय पर आ पहुंची तो वो बच गई, वरना अब तक उसका पैर जल चुका होता। इन सभी चीज़ों से रितिका को मानसिक तनाव मिल रहा था और शारीरिक कष्ट तो हो ही रहा था। ये अपने घर भी नहीं जा सकती थी, किस मुँह से जाए। इसने तो अपने माता पिता से लड़ झगड़ कर उनके खिलाफ जाकर शादी की थी। रितिका अपने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव थी। फेसबुक पर इसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, इसका नाम था विपुल अग्रवाल। इससे थोड़ी बातचीत होती है, जान पहचान बढ़ती है और दोस्ती हो जाती है। विपुल अग्रवाल फिरोजाबाद का रहने वाला था। यहाँ एक किसी प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट का एक मेंबर था, एक तरह से इसको स्कूल का मालिक समझ लीजिए। इसकी शादी हो चुकी थी। पत्नी दीपाली अग्रवाल एक डेंटिस्ट थी। इनका एक बेटा भी था। विपुल की रितिका से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। रितिका ने अपनी पूरी आपबीती अपने दोस्त विपुल को बताई। इसको अपने पति से छुटकारा चाहिए था, ये अब इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। विपुल तो एक स्कूल में पार्टनर था ही, दोस्ती के नाते इसने रितिका को बोला कि फिरोजाबाद आ जाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ। रितिका पहले भी स्कूल में पढ़ाती थी, इसको यह बात ठीक लगी। 2014 से 4 सालों तक पति का जुल्म सहन करने के बाद रितिका 2018 में अपना ससुराल छोड़ करके फिरोजाबाद आ जाती है। इसने पति को नहीं बताया कि यह घर छोड़कर जा रही। जब वो घर पर नहीं था तभी रितिका ने घर को छोड़ा। यह जानती थी कि आकाश इसे घर छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि इसकी ही वजह से उसका घर चल रहा था। यह काम करती थी और वो बेरोजगार घूमता था। रितिका अपना घर छोड़ फिरोजाबाद आ गई। विपुल ने अपनी दोस्ती निभाई और स्कूल में इसको नौकरी दिला दी। फिर पति आकाश गुस्से में अपनी पत्नी रितिका को ढूंढने लगा। रितिका को लगा कि अगर उसने इसे ढूंढ लिया तो इसे मार डालेगा, क्योंकि मैं पहले भी इसके पैर जलाने की कोशिश की थी, कहीं वो इसके माता पिता के जरिए उसके पास न पहुंच जाए। इसलिए रितिका ने अपने माता पिता से भी सारे कॉन्टेक्ट हटा दिए, संपर्क तोड़ दिया। आकाश रितिका के माता पिता को भी परेशान करता है। रितिका के बारे में जानने के लिए इधर कहीं से विपुल के बारे में पता चल चुका था। इसको लग रहा था कि रितिका का इसी आदमी के साथ अफेयर है। इधर रितिका को डर लगने लगा, कहीं इसका पति यहाँ ना आ जाए। इसके बाद रितिका और विपुल फिरोजाबाद छोड़ करके आगरा आ जाते हैं। आगरा के ताजगंज इलाके में हाल ही में एक सोसाइटी बनी थी, ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट। यहाँ विपुल ने एक फ्लैट 13,000 रुपये पर मंथ के किराए पर ले लिया। विपुल को पहले रितिका से पहले हमदर्दी थी, लेकिन धीरे धीरे इसे भी प्यार हो गया। वैसे यह भी शादीशुदा ही था। रितिका को भी अच्छा साथी मिल गया, जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सकती थी। ये दोनों इस फ्लैट में लिविंग में रहने लगे। यहाँ आने की वजह से रितिका का टीचिंग का काम छूट गया। 2017 में इन्होंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। ये सोशल मीडिया
पर पोस्ट भी करती थी, जिसकी वजह से इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए थे। फॉलोवर्स की वजह से छोटे मोटे एड्स भी मिलते थे। इनसे थोड़े बहुत खुद के खर्च के लिए पैसे कमा लेती थी। इनको डर था कि सोशल मीडिया में रहने की वजह से कहीं आकाश इसका पता न लगा ले। फिर रितिका ने कोर्ट में अपने पति से डिवोर्स लेने की अर्जी लगा दी, साथ में 50 लाख रुपए की मांग की, क्योंकि रितिका का पति उसको फिजिकली और मेंटली परेशान किया करता था, इसलिए उसने 50 लाख की मांग की। उधर आकाश ने सोशल मीडिया के माध्यम से रितिका का पता लगा लिया कि वो आगरा के तानगंज इलाके में ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में रहती है और आकाश उसी अपार्टमेंट में पहुंचता है, पर ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। ये बात आकाश को पता थी, ऐसे ही किसी को सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुसने नहीं देगा। और फिर आकाश ने उसका भी इलाज निकाल लिया। फिर ये दो औरतों को प्लान में शामिल करता है, काजल और सुशीला। ये औरतें इसके घर के आसपास रहने वाली मुंह बोली बहनें थीं। साथ में यह दो लड़कों को भी शामिल करता है। एक तो इसका दोस्त था चेतन, जो सामान डिलीवरी का काम करता था। चेतन को जब प्लान में शामिल किया गया, तब उसने अपने एक दोस्त अनवर को भी बुलवा लिया, वो मजदूरी करता था। इस तरह से दो लड़के भी शामिल हो गए। आकाश ने सबको अपना अपना रोल समझा दिया। उन्होंने एक हथकड़ी और रस्सियां वगैरह भी साथ में ले ली। इन सभी चीजों को इन्होंने ऐसे रखा जैसे किसी को पता न चल पाए। 24 जून 2022 की सुबह 10:30 बजे आकाश दो औरतों और दो आदमी को लेकर आगरा के इस अपार्टमेंट में आता है। यहाँ मुन्ना नाम का गार्ड था। ये इन चारों से पूछताछ करता है 601 में जाना है। गार्ड ने देखा कि दो महिलाएं भी साथ में हैं। इसे लगा कि परिवार वाले लोग हैं, किसी जान पहचान वाले से मिलने आए होंगे। इन पर शक करने का कोई कारण नहीं था। 601 का फ्लैट 6 फ्लोर पर था। गार्ड इनको जाने देते हैं। इसके बाद ये लोग लिफ्ट में आए और 6 फ्लोर में जाने की बजाय 4th फ्लोर में आए। 404 में रितिका थी। विपुल भी अपने काम पर जाने वाला था। आकाश ने अपने साथ आई दोनों औरतों को आगे किया। उन्होंने बेल बजाया, रितिका ने दरवाजा खोला। सामने रितिका ने देखा कि इसका पति आकाश गौतम खड़ा है। दरवाजे को धक्का देकर दोनों औरतें अंदर आ जाती हैं। रितिका को पकड़कर एक कमरे में ले जाती हैं और उसकी पिटाई करती हैं। विपुल भी दूसरे कमरे से बाहर निकल रहा था। आकाश और चेतन इसके ऊपर टूट पड़े। साथ में ये लोग रस्सियां भी लाए थे। इन्होंने विपुल के हाथ और पैर बांध दिए और बाथरूम में ले जाकर इसको बंद कर दिया। अब ये लोग भी रितिका के पास आते हैं। चारों मिलकर रितिका को बांधते हैं। इनमें खूब झड़प होती है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही कुछ भारी भरकम चीज गिरने की आवाज़ गार्ड को सुनाई देती है। आवाज़ बहुत तेज थी। आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। गार्ड ने पहले तो मेन गेट को बंद कर दिया, फिर जहां से आवाज़ आई सभी लोग वहां जाते हैं। सभी लोगों ने देखा कि लड़की गिरी हुई है, उसका हाथ और पैर बंधा हुआ है और एक आदमी रस्सियों को खोल रहा है, दूसरा आदमी रिकॉर्ड कर रहा है और दो औरतें वहीं पर खड़ी हैं। लोग समझ गए कि आखिर हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फौरन भीड़ इनकी तरफ बढ़ती है। आकाश और इसके साथियों ने भीड़ को देखा तो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेन गेट तो गार्ड ने पहले ही बंद कर दिया था। भीड़ ने दो औरतों और एक आदमी को पकड़ लिया। चेतन यहाँ से भाग गया, अनवर भी भाग गया। तीन लोग पकड़े जाते हैं और दो लोग भाग जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। ताजगंज की पुलिस मौके में पहुंच जाती है। दो औरतों और एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। गार्ड से पता चला कि ये 6th फ्लोर पर गए थे, पर इन लोगों से पता चला कि ये 4th फ्लोर पर गए थे। इसकी टीम 4th फ्लोर पर आती है। इसी फ्लोर के किसी एक रूम से चीखने की आवाज आ रही थी। इसके बाद 404 का दरवाजा खोला जाता है। इसी रूम के बाथरूम से किसी की आवाज आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा खोला जाता है। अंदर विपुल बंधा पड़ा था। इसने अंदर रखे वाइपर से खिड़की का कांच तोड़ दिया था ताकि इसकी आवाज बाहर तक पहुंच सके। फिर विपुल ने पुलिस को सब बताया जो उस कमरे में हुआ और अपनी और रितिका के लिविंग की बात भी बताई। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रितिका की पसलियां टूट गई हैं और गहरे चोट के निशान हैं और हड्डी के पास खून जम गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर पुलिस उन तीनों से पूछताछ करती है। काश वो सब कुछ कबूल देता है कि कैसे उसने अपनी ही पत्नी को मारने की प्लानिंग बनाई। और एक थ्योरी से यह भी पता चला कि वो लोग वहां पर सबूत लेने गए थे कि अगर वो उसका दूसरे आदमी के साथ लिविंग में रहने का सबूत ले आते हैं तो आकाश को 50 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे।
पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि उन लोगों ने उसको मार दिया। फिर उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी चले और अभी तक यह केस चल रहा है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।